बात अगर मंडी की करें तो यहां आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते 35 झुग्गियां जलकर राख हो गई और चंद मिनटों में गरीबों के सिर से साया छिन गया। मंडी के लोअर पड्डल में आग का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने पंचवक्त्र मंदिर के पास मौजूद 35 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 200 से ज्यादा गरीबों की मेहनत और मशक्कत जुटाया सामान जलकर राख हो चुका था। ना टाइम का पता है, ना हम तो सो रहे थे, हमको कुछ पता नहीं। खाना वाना खा के सो गए थे, बस इतनी बात हुई। और फिर अचानक ही नींद खुली तो आग की लाइट आई, तो फिर उसके बाद में बुझाने की कोशिश करते तो सारी आग ही फैल गई थी। तो हम तो बच्चों के फिर बस दिमाग ही हमारा घूम गया, हम ये क्या हो गया, 40 साल हो गए यहीं पे, आज तक ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। शुक्र करो बच्चे हमारे, मेरी फैमिली के पूरे, बाकी की फैमिली के सुबह पता चलेगा कि भाई पूरे हैं का दूरे। बोझ पता ही नहीं, मैं सो रहा था, मेरे बच्चे पटल में गए हुए थे ना प्रोग्राम देखने के लिए, मेरे खुद को पता नहीं कैसे लगी आग। कितना नुकसान हुआ? मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं रही साहब जी, चप्पल मांग के डाल रहा हूँ मैं किसी की। पीड़ितों की माने तो जब ज्यादातर लोग या तो अपनी झुग्गियों में सोए हुए थे या फिर अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की आखिरी शाम का आनंद ले रहे थे, तभी खबर लगी कि आग ने उनके आशियानों को आगोश में ले लिया है। आग की लपटों के बीच किसी ने सोते हुए परिवार तो किसी ने सामान बचाने की कोशिश की। बचा हुआ सिर्फ यही है और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बूट भी है ना, ये किसी से मांग के लिया, यही फटा हुआ देख लो आपके सामने, ये यही मांग के लिया मैंने किसी से, वो भी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास है। अभी तक कुछ भी नहीं है, सोने के लिए जगह रही है, कुछ मकान है, कुछ भी नहीं है। वो भी आपकी हेल्प है थोड़ी सी, भी बोलते भी गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो इस करके बस थोड़ी सी हेल्प। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे सांसद राम स्वरूप शर्मा, विधायक जयराम ठाकुर और उपायुक्त संदीप कदम ने स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को पड्डल गुरुद्वारे में शिफ्ट कराया, खान पान का इंतजाम किया और फौरी राहत की घोषणा की। उपायुक्त के मुताबिक आग में महिला समेत 3 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीब के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जरूरी है इनके रिलीफ के लिए, वो सारे कपड़ों की व्यवस्था की जा रही है, ब्लैंकेट्स की व्यवस्था की जा रही है। एक हाथ दो व्यक्ति जो इंजर्ड थे, जिनको जलने की इंजरी हुई थी, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। सर आग लगने के कारणों का पता चल पाया है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल पाया। सर इनको फौरी राहत के तौर पर सारा कुछ कर रहा है, फौरी राहत भी दी जाएगी। अब पीड़ितों के सामने बड़ी समस्या यही है कि आने वाले समय में ये अपनी झुग्गी को फिर से कैसे बसाएंगे और कब तक इन्हें खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।